हमको क्यों पढ़ाते हैं? It's so boring. अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा. Hi kids. Hello teacher. आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा. Best teachers बनाए तो simple लगे everything. Leaderboards and quizzes से amazing. Learning हो जाए happening. समझ आएगा तो मजा आएगा. Vedantu, learn live online. To attend a free live class, Hi guys, hello everyone. Hi Gaurav, Khushi, Subrato, hi. Hi everyone, kaise hain aap sab? How are you all? Good? Excited? आज हम आपको पता है, as you can see, बहुत important chapter शुरू करने वाले हैं, that is evolution. Evolution is one of the most important chapter. CBSE के लिए तो है ही, board के लिए बहुत important, as well as NEET के लिए भी बहुत जरूरी है. तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनका दोनों purpose solve होने वाला है आज की class के बाद. आज CBSE के concepts भी बनने वाले हैं, plus NEET का जबरदस्त base भी बनने वाला है, guys. So are you all excited? Say yes. Yes के साथ एक दिल भी तो बनाना होता है, remember? Yes, खुशी आ चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं. Yes, full attendance होनी चाहिए guys, full excitement होना चाहिए before we start the session. पूरा excitement रहेगा तभी इस chapter में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. Trust me, इतनी सारी tricks आज मेरे पास समझाने के लिए, बहुत easy होने वाला है सब कुछ. Right guys, so let us start with this chapter, evolution. Yes. ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, ये हमारा एक गुरु मंत्र है, दैट यू हैव टू लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियोस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द मोस्ट अमेजिंग चैनल, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल. तो गाइस, आपने सब्सक्राइब किया क्या? यस, कर दो फटाफट से सब्सक्राइब गाइस. यस, And after the session, if you have any doubts, I'll be here on this link, this Telegram group. इतने students के doubts मेरे पास daily आते हैं, daily मैं solve करती हूँ. So चाहे late हो या जल्दी हो, reply जरूर आएगा guys, जरूर आएगा. So do not forget to join this our family, जहाँ पे आप हमसे सीधा जुड़ जाएंगे. Right guys? Yes. Okay. Now, chapter weightage, क्यों ये chapter इतना important है? सबसे जरूरी बात है कि ये chapter इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि this chapter weighs lot of marks. आप देख सकते हो कि हर साल इतना इतना number इस chapter से आता ही आता है. So, this chapter becomes very very important. Right guys? तो weightage भी मिल गया है. अब आते हैं main बात पे, जो है आज का हमारा topic, evolution. ठीक है? तो सबसे पहले इस chapter की भावना समझो बेटा, भावना. चैप्टर की भावना क्या कहती है? चैप्टर चार हिस्सों में बटा हुआ है. एवोल्यूशन पहला हिस्सा क्या कहता है? कि ये संसार कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना. दूसरा चीज है कि इंसान कैसे बना, ओरिजिन ऑफ लाइफ. तीसरी चीज है कि हर चीज सबूत मांगती है. सो थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एविडेंसेस, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज हाउ मैन evolved, that is evolution of humans. तो इतने हिस्सों में चैप्टर बटा हुआ है. इसकी भावना समझने के बाद अब आते सीधा evolution पे. ठीक है guys, excited? Yes guys, बुला लो अपने सारे दोस्तों को, बुला लो फटाफट से बुला लो, क्योंकि बहुत amazing session अब मैं start कर रही हूँ. So let us tell me first the definition of evolution. Evolution है क्या? Evolution एक ऐसा process है जो चलता जा रहा है. It is a never stopping process. कभी रुकने वाला process नहीं है ये. ठीक है? दूसरी चीज, It is a study of life forms. कैसे life आई, कैसे life बनी, कैसे life ने अपने आप को change किया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं evolution में. आप छोटे थे, अब आप थोड़े बड़े हो गए हो. बहुत बड़े नहीं हुए अभी तक, थोड़े बड़े हुए हो. ठीक है? Yes, इस जर्नी में भी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं. दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज एवोल्यूशन, एंड दीज चेंजेस आर इररिवर्सिबल नेचर. यानी ये चेंजेस क्या है? इररिवर्सिबल हैं. छोटे से बड़े हो चुके हो, बड़े से छोटे अब वापस नहीं हो पाओगे बेटा. दैट्स व्हाई एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस विच इज इररिवर्सिबल इन नेचर. आई बात समझ में? आया सबको समझ में? पहली चीज, प्रोसेस ग्रेजुअल है, मतलब इट टेक्स इट्स ओन टाइम.
दूसरी चीज प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है यानी हमेशा चलता जा रहा है। तीसरी चीज प्रोसेस इरिवर्सिबल है यानी जो एक बार हो गया वो हो गया, अब आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन यानी चेंज इन लाइफ। ओके गाइस, यस, नाउ नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ द चैप्टर के दो मेजर हिस्से हैं जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले एविडेंसेस यानी सबूत कि एवोल्यूशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है हम कैसे मान लें, तो उसके लिए हमें पढ़ने हैं एविडेंसेस। दूसरी चीज है थ्योरीज रिगार्डिंग द लाइफ, कैसे लाइफ आई। ठीक है, एग्जैक्टली सुब्रतो, एग्जैक्टली युवराज, मोहम्मद, बहुत सारे नए बच्चे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू टीच यू ऑल। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, स्वप्निल भी है, गोल हंटर भी है। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितने बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, कितने बिलियन ईयर्स एगो हुआ था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आंसर मी गाइस इन द चैट बॉक्स, भरो फटाफट से चैट बॉक्स। काजल राइट, एडी राइट, ओके, जो एनसीईआरटी ने लिखा। आई नो सम पीपल आर गिविंग मी द राइट आंसर बट आई वॉन्ट टू नो वट एनसीईआरटी हैज रिटन। एनसीईआरटी वाले लिखेंगे सब। यस, कम ऑन गाइज, फटाफट से, आई नो यू गाइज इट नो इट ऑल, मुझे पता है, सबको पता है आंसर। एग्जैक्टली, एज पर एनसीईआरटी 20 बिलियन ईयर्स अगो, बट सम बुक्स सेज 15 ऑल्सो, बट आप वही फॉलो करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, राइट? यस, सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वॉज 20 बिलियन ईयर्स अगो एंड दिस वॉज एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ थ्योरी कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या था, एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ यूनिवर्स में, उस ब्लास्ट के कारण बहुत सारी चीजें बनी और वो चीजें अल्टीमेटली क्या थे, प्लैनेट्स थे, स्टार्स थे, सेलेस्टियल बॉडीज थे, एंड दिस इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। ओके, इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद जब यूनिवर्स बना तो उसके बाद बनी गैलेक्सी। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इन द चैट बॉक्स गाइज, आप बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, फटाफट से चैट बॉक्स। यस यस यस, मिल्की वे, मिल्की वे, रोहन एब्सोल्युटली करेक्ट, अस्मा ने ठीक जवाब दिया, ऋत्विक, स्वाति, सब बिल्कुल आज फोड़ रहे हैं, सब पढ़ के आए हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल प्रिपेयर होके आए हैं मेरे जवान, बिल्कुल बढ़िया। द नेम ऑफ आर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आकाश गंगा। ठीक है, नाउ वंस द गैलेक्सी इज फॉर्म, अब गैलेक्सी के बाद बनना है हमारी प्यारी सी धरती यानी अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कितने साल पहले हुआ था इन द चैट बॉक्स, यस हैप्पी नरुतो, यस नरुतो टेल मी ओरिजिन ऑफ अर्थ कितने साल पहले हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। काजल एब्सोल्युटली करेक्ट, तो यहां पे हम लिखेंगे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, एब्सोल्युटली गाइस। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से बना गैलेक्सी, गैलेक्सी से बनी हमारी एक प्यारी सी धरती। अब धरती बन चुकी है, अब इस धरती के बारे में हमें जानना है कि क्या क्या खासियत थी इस धरती की जब वो बनी। ठीक है गाइस, ओके, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एज आई सेड दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। जिन लोगों ने नहीं सुना बिग बैंग थ्योरी, मैं वापस यहां पे बता रही हूँ बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, दिस इज अ लाइन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि वो अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स में, राइट? एंड जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो दो H2 पूरी भर गई पूरे पूरे के पूरे यूनिवर्स में। जैसे जैसे वो कंडेंस होती गई वैसे वैसे आपके नए नए प्लैनेट्स बनते गए। सो ये लाइन याद आ रही है फ्रॉम एनसीईआरटी, यस, एक एक लाइन उठानी है एनसीईआरटी की आपने। ठीक है, नेक्स्ट नेबुलर हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस ये हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एक नाम मैं बता रही हूँ क्योंकि दिस हाइपोथेसिस इज यूज फॉर द ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज। ये हाइपोथेसिस यूज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी एंड द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी एज यू गाइस सेड इट इज मिल्की वे और आकाश गंगा, इट इज मिल्की वे और आकाश गंगा। ठीक है, यस, ओके, नाउ धरती के बारे में जानेंगे बेटा। धरती,
धरती उस टाइम कैसी थी? क्या उस टाइम पेड़ थे? नहीं, उस टाइम पेड़ नहीं थे। तो अगर पेड़ नहीं थे तो कैन यू एक्सपेक्ट ऑक्सीजन? अगर पेड़ नहीं है तो क्या ऑक्सीजन होगी? नहीं होगी। सो देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जब ऑक्सीजन फ्री नहीं थी तो उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। यस, द एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। देखो, एक बहुत ही फंडामेंटल चीज बताती हूँ। जब आपको चीजों को तोड़ना होता है, यू डू ऑक्सीडेशन। जब चीजों को बनाना होता है तब आप करते हैं रिडक्शन, राइट गाइस? तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। यहाँ अभी हमारी पृथ्वी बन रही है, हमारी धरती बन रही है, तो एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए गाइस? रिड्यूसिंग होना चाहिए, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं है। फ्री ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे प्लांट्स नहीं थे। उस टाइम प्लांट्स नहीं थे, ठीक है? सो देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। कोई एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं थी, लाइक लिथोस्फेयर नहीं थी, ओजोन लेयर नहीं थी, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं थी, आइनोस्फेयर नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। धरती अभी बनी बनी है, तो टेम्परेचर कैसा था? वेरी हाई टेम्परेचर, 800 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था उस टाइम पे टेम्परेचर। तो इतना हाई टेम्परेचर के कारण कैन यू एक्सपेक्ट लाइफ? क्या आप जिंदगी एक्सपेक्ट कर सकते हो इतनी गर्मी में? यस और नो गाइस, बता दो जरा, यस और नो, बन पाएगी जिंदगी? यस और नो, फटाफट से चैट बॉक्स भरो, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए पूरा। इतना प्यारा चैप्टर चल रहा है आज क्लास में। एग्जैक्टली, नो। तो इसलिए उस टाइम लाइफ नहीं थी जब बनी थी अर्थ, ठीक है? सो ये सारी कंडीशन थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, थंडरस्टॉर्म्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म से कुछ भी स्टेबल नहीं था, तूफान आ रहा था, वहां पे लावा ज्वालामुखी फूट रहा था, तो ये सब चीजें होती जा रही थी। तो उस टाइम अर्थ की कंडीशंस वर वेरी वेरी अनस्टेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अभी चीजें स्टेबल नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइफ। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना और पूरे नंबर छीन लेना एग्जामिनर से, दैट्स ऑल, ठीक है? तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रिमिटिव अर्थ। तो अर्थ पे हो क्या रहा था? एज आई सेड, ज्वालामुखी फट रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था तो जो गैसेस उसमें से बाहर आ रही थी वो कौन कौन सी गैस थी? वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन गाइस, नो फ्री ऑक्सीजन। क्या ओजोन प्रेजेंट थी प्रिमिटिव अर्थ में? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स, वॉज ओजोन प्रेजेंट ऑन प्रिमिटिव अर्थ? Was ozone present on primitive earth? क्या पुरानी धरती पर ओजोन रक्षा कवच बना हुआ था? No, exactly guys, exactly, 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 super answers. उस टाइम ओजोन नहीं थी, तो यानी जो यूवी रेस थी, जो सन से आ रही थी, वो डायरेक्टली अर्थ में घुस पा रही थी, सीधा यूवी रेज अर्थ में आ पा रही थी, ठीक है? तो जब ये यूवी रेज आ रही थी अर्थ के अंदर, तो इन्होंने तोड़ना शुरू किया CO2 को। किसको तोड़ना शुरू किया? CO2 को। ऑक्सीजन फ्री हुई, ऑक्सीजन जैसी फ्री हुई बेटा, उससे बनी सबसे पहले आपकी ओजोन। अगर आपने घर बनाना है तो घर बनाते वक्त सबसे पहले क्या बनाओगे? उसकी दीवार बनाओगे, तभी उसके अंदर रहोगे ना। यही चीज हमारे साथ भी हो रहा है। अर्थ बन गई है, अर्थ के आसपास आपने एक दीवार बनाई है ओजोन की, अब जाके शुरू होगी लाइफ। तो पहले बनी दीवार, वो दीवार किसकी थी गाइस इन द चैट बॉक्स? हां जी, दीवार किसकी बनाई पहले? यस, किसकी बनाई दीवार पहले? ओजोन, एब्सोल्युटली। पहले ओजोन बनी, तब जाके आपने किसकी बात की? लाइफ की बात की, ठीक है? सो सबसे पहले हमने बनाई ओजोन। जैसी ओजोन बनी तो हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड हो गई फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। यहाँ पे एक मैं इंटरलिंक सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर ओजोन नहीं है और वहां से यूवी रेडिएशन आपके ऊपर आ रही है, तो क्या प्रोबेबल डिजीज आपको हो सकती है?
क्या डिसऑर्डर आपको हो सकता है अगर यूवी रेडिएशन आपकी स्किन को छू के निकल जाती है। यस रोहन बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। चैतन्य ने सही आंसर दिया है। उन्नति हैज गिवन मी द राइट आंसर। यस गाइस, स्किन कैंसर, एब्सोल्युटली। तो अगर यहाँ पे लाइफ आ भी गई और ओजोन नहीं थी तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना, प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ओजोन, जिसने ब्लॉक किया किसको, यूवी रेडिएशन को, तब जाके बेटा लाइफ आनी शुरू हो गई, ठीक है। राइट गाइस, समझ में आया? यस लिख दो तभी आगे बढ़ेंगे हम। राइट यस, प्रिमिटिव अर्थ के बारे में आपको क्लियर हो गया? राइट यस, फिर आगे चलेंगे हम। जल्दी जल्दी यस लिख दो। यस गाइस, यस यस, पूरा बड़ा बड़ा यस होना चाहिए। यस ओके, अब आ रहे हम थियोरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। एज आई सेड, दीवार बन चुकी है, अब बात शुरू होने वाली है लाइफ की, यानी जिंदगी। जिंदगी का सफर नहीं होता है आसान, तो उसको समझने के लिए हमें पढ़नी पड़ती है कुछ थ्योरीज, ठीक है। और वो पहली थ्योरी जो पढ़नी है हमें, जो एनसीईआरटी में बस एक एक लाइन में लिखी हुई है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट गाइस, तो जिंदगी की पहली थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी भगवान आते हैं और सारे इंसानों को बनाते हैं, सारे जीव जंतु को बनाते हैं, सारे पेड़ों को बनाते हैं। राइट गाइस, तो ये सारे पेड़ बनते हैं, सारे जीव जंतु बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, और ये कौन बनाता है? भगवान, यानी गॉड। राइट, गॉड। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहते हैं कि भगवान ही है जो सब कुछ बनाते हैं। विद इन 6 days भगवान ने सब कुछ बना दिया, पूरा ब्रह्मांड बना दिया। राइट गाइस, यस, दिस इज अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाउ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, अंग्रेजी शब्द है कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है तबाही, यानी हर कुछ समय बाद एक तबाही आएगी जो सारे जीव जंतुओं को हटा देगी। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट विल बी वैनिश्ड, मतलब सब मर जाएंगे। उसके बाद भगवान जी वापस आएंगे और वापस से एक नए धरती को बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने बात की है तबाही की, विच इज कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफ, एंड स्पेशल क्रिएशन इज कि भगवान आते हैं, सब कुछ बना के जाते हैं, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है आपका? स्प्लिट द वर्ड, वर्ड को स्प्लिट करो, मतलब निकाल लो अगर फंस जाओ तो। बायो, बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। गाइस, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय लुईस पाश्चर। ही सेड लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी ये तो वही बात हो गई ना, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, बता दो जरा आंसर, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई? यस, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, ये तो वही बात होगी ना, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बट लुईस पाश्चर ने हमें ये तो बताया ही नहीं कि लाइफ कैसे आई, उसने सिर्फ हमें बताया कि लाइफ से ही दूसरी लाइफ बनती है, बट पहली लाइफ कैसे आई ये उसने हमें बताया ही नहीं। सो दिस वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, कॉस्मोजोइक और पैनस्पर्मिया थ्योरी। ये क्या है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, यानी कि जब लाइफ अपनी धरती से ना के बाकी ग्रह से आती है, यानी मार्स, जुपिटर, कहीं से भी आ सकती है, इन द फॉर्म ऑफ डैश। फिल द डैश, भरो। यस स्वर्णिका, करेक्ट, स्वर्णिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ चेष्टा, सही है। खुशी सही है, आयुषी सही है, निखिल ने सही आंसर दिया। एब्सोल्युटली गाइस, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, सीड्स, राइट? यस, सो व्हेन द लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और सीड्स, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, कॉस्मोजोइक और पैनस्पर्मिया थ्योरी। क्लियर है सबको? यस गाइस, नाउ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन ए बायोजेनेसिस। अगेन वी विल स्प्रेड द वर्ड, मतलब आप बताओगे मुझे इस बार, ए बायोजेनेसिस क्या मतलब है? आई एम रीडिंग द कॉमेंट्स इन द चैट बॉक्स, बताओ जल्दी। ए बायोजेनेसिस, यस गाइस, नॉन लिविंग थिंग्स से। बिल्कुल सही काजल, क्या सही आंसर दिया है काजल, तालियां
बिल्कुल तालियां बेटा, क्या शानदार आंसर दिया है. नाउ आई थिंक यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ लर्निंग जूलॉजी, स्प्लिट द वर्ड्स एंड गेट द मीनिंग वाला फंडा बिल्कुल समझ में आने लगा है. एब्सेंस, बायो फॉर्मेशन, यानी व्हेन द लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटीरियल. When the life comes from non-living material, this theory is called as theory of abiogenesis. ठीक है, सबको क्लियर हुआ? Mud and straw, absolutely, absolutely. क्या ये सारी theories क्लियर है? Write yes in the chat box, guys. Write yes in the chat box. लिखो फटाफट से yes in the chat box. लिखो लिखो लिखो. तब हम आगे चलेंगे. यस गाइस, बड़ा सा लिख दो, बुला लो अपने दोस्तों को. यस, बड़ा सा लिखो. यस, प्लैटिनम क्लियर, मक्खन क्लियर. बिल्कुल ऐसे मिसिंग से हो रहे थे ये सब शब्द क्लास में से. यस गाइस, यस. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. जानते हैं इसको, पहचानते हैं इसको, जान पहचान है ना इसके साथ? हाँ जी. तो इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको अबाउट ओपरेन एंड हैल्डेन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. चिल हो जाओ, अपनी चेयर्स पे बैठो, क्योंकि अब बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है. ठीक है, देखो इधर. इसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे दो महान साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है ओपरेन एंड हैल्डेन. ओके, ओपरेन एंड हैल्डेन ने क्या कहा था? लाइफ कम्स फ्रॉम स्मॉल, वेरी स्मॉल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. ठीक है, यानी जो हमारी लाइफ है वो छोटे छोटे केमिकल्स को कंबाइन करके बनी है. ठीक है, इन्होंने ये बात कह तो दी, बट उसको प्रूव किसने की? यूरेन मिलर ने. सो बात कही किसने? ओपरेन एंड हैल्डेन ने. हाइपोथेसिस किसने दी? ओपरेन एंड हैल्डेन ने. बट उसको प्रूव किसने किया? यूरेन मिलर ने. तो ये चीज बहुत ध्यान से याद करके चलनी है कि थ्योरी देने वाले तो ओपरेन एंड हैल्डेन, बट उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले कौन थे? यूरेन मिलर. ओके, यस गाइस. चलो अब देखो इधर, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ इधर. यूरेन मिलर अंकल, देवांशी कूल, वेरी कूल. देखो इधर. So, अब मैं एक्सपेरिमेंट समझाने वाली हूँ. बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं? हम वही सब कंडीशन मेंटेन करने वाले हैं जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी, यानी हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन वाली गैसेस, वैक्यूम क्रिएट करने वाले, सब वही करने वाले. और अब कैसे करेंगे देखते हैं इधर. सबसे पहले हमने लिया स्पार्क चेंबर. दिस विल प्रोवाइड एनर्जी, इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स को 80,000 वोल्ट्स पे इन्होंने स्पार्क कराया था. ठीक है, तो लाइटनिंग वाला काम तो इलेक्ट्रोड्स ने दे दिया. डन गाइस. गैसेस, नाउ यहां पे यू कैन सी गैसेस हमारी अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर एंड H2. ठीक है, ये आपका कॉम्पोजिशन हो गया गैसेस का. कैन यू टेल मी द रेशियो, किस रेशियो में प्रेजेंट है CH4 अमोनिया एंड H2? टेल मी द रेशियो गाइस. बिल्कुल सही, आई जस्ट मिस द नेम. मैंने आंसर देखा था, मैं मिस कर गई नाम. सलोनी, आहा, नो नो, अब सही आ रहे. क्लॉडिन हैज गिवन मी द राइट आंसर गाइस. कशिश ने सही आंसर दिया है एंड उन्नति ने सही आंसर दिया है. बहुत जल्दी आ रहे तो इतना मैं जल्दी रीड नहीं कर पा रही नाम. हाँ जी गाइस, फटाफट लिखते रहो, बट लिखते रहो आंसर. रोहन, 2:1:2. सो दिस वॉज अ रेशियो. एंड ये क्वेश्चन CBSE के लिए जितना जरूरी है ना बेटा, उतना ही जरूरी है नीट के लिए भी है. राइट गाइस, दोनों के लिए जरूरी है ये. अब देखो इधर, तो ये गैसेस हो गई जो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे आ रही थी. नाउ दिस एक्ट एज अ कंडेंसर, दिस एक्ट एज अ कंडेंसर. जो भी चीज बनेगी वो हवा की फॉर्म में बनेगी. उसको लिक्विफाई करने के लिए व्हाट यू नीड? अ कंडेंसर. ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंडेंसर. Then you have vacuum. Now why am I using vacuum? Vacuum क्यों यूज करा यूरेन मिलर ने? जो आंसर बताएगा तालियों का हकदार होगा वो. Vacuum क्यों यूज कर रहे हैं? Vacuum से क्या हुआ, क्या हट गया vacuum से? Yes, चेष्टा, absolutely correct. उस time primitive earth में free oxygen नहीं थी guys, इसलिए यहाँ पे हमें use करना पड़ा vacuum pump, so that जितनी भी oxygen इस पूरे chamber में थी उस सबको हटा दिया.
ठीक है. नाउ वी हैव यूज अ बॉयलर. बॉयलर किस लिए? वॉटर वेपर के लिए. ओके. प्लस इट ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस. तो 800 डिग्री सेल्सियस हमने मेंटेन किया, हमने वाटर वेपर भी बना दिया, हमने ऑक्सीजन हटा दी, हमने लाइटनिंग कर दी नरूतो, ठीक है, और हमने कंडेंसर भी लगा दिया. तो ये सारी कंडीशन वही हमने मेंटेन की जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी. नाउ इट्स अ टाइम फॉर एक्शन. इन्होंने 18 दिन के लिए फॉर 18 डेज पूरा सेटअप छोड़ दिया. 18 दिन के बाद इन्हें मिले छोटे छोटे अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड. तो ये ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड बनना इज द प्रूफ, यस वी हैव इवॉल्व फ्रॉम स्मॉल केमिकल्स. राइट गाइज, दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम स्मॉल स्मॉल केमिकल्स. तो यही चीज इन्होंने प्रूव की यूजिंग दिस एंटायर सेटअप. जो कही किसने थी गाइज? ओपरिन एंड हेल्डेन ने. आप देख रहे हो कितनी लोग मेहनत करते हैं. यस, अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE. राइट, बिल्कुल सही. यस, चलो नेक्स्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ आरएनए वर्ल्ड, ये बहुत छोटी सी चीज है. ट्रिक फ्रॉस्ट. ओके, आरएनए वर्ल्ड बस एक छोटी सी चीज मैं बता रही हूँ कि देर इज अ सेंट्रल डोगमा विच ऑलवेज सेज कि डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन. तो अकॉर्डिंग टू यू डीएनए सबसे पहले आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. इट इज द आरएनए विच वॉज अ फर्स्ट मॉलिक्यूल टू बी फॉर्म ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, बिकॉज दिस आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल एज वेल एज इट कैन एक्ट एज enzyme. Remember ribozymes? Yes. So RNA was the first material that came into the existence. It wasn't protein, it wasn't DNA, it was the RNA. Right? So RNA क्यों बना? क्योंकि वो genetic material भी था और at the same time वो क्या कर रहा था? Enzyme की तरह भी काम कर रहा था. आ गई बात समझ में? ये एक one mark question बन सकता है आपके CBSE board में. Right guys? चलो next. ओके, सबूतों पे आ चुके हैं. सबूतों के आधार पे हमने बताया है कि यस एवोल्यूशन होता है. तो वो क्या क्या सबूत हमने पेश किए हैं, आ जाओ जरा उनको पढ़ लेते हैं. पहला सबूत है आपका फॉसिल्स. फॉसिल्स तो आप सब जानते ही हैं, हमारे पास बड़े सारे फॉसिल्स हैं, डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं हमारे पास, हमारे पास रिमेन्स है बहुत सारे. तो ये सारे फॉसिल्स क्या हैं? व्हाट आर दीज फॉसिल्स? ये सबूत है कि हाँ पहले किसी जमाने में डायनासोर रहे होंगे. तो ये फॉसिल्स एक बहुत ही जबरदस्त सबूत है कि हाँ एवोल्यूशन हो रहा है. आप इस प्रोसेस को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और ये फॉसिल्स मिलते कहाँ हमें? रॉक्स में. और रॉक्स कौन से होते हैं? इन द चैट बॉक्स लिखा हुआ है, पीछे मैं छुपा लेती हूँ. आई शुड बी द इन द राइट एंगल. कौन से रॉक्स है गाइस जिसके अंदर ये मिलते हैं? टेल मी इन विच रॉक्स यू फाइंड फॉसिल्स. यस गाइस, सेडिमेंट्री. एब्सोल्यूटली करेक्ट सुब्रतो, रुद्राक्ष. वी हैव सो मेनी न्यू स्टूडेंट्स टुडे. एब्सोल्यूटली, वैसे मैंने लिखा भी हुआ था यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो. सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रॉक्स वेयर यू फाइंड फॉसिल्स, एंड फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स. ओके, यस, चलो. एंड देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स. एक मैंने लिखा है पेट्रीफाइड फॉसिल, जिसके अंदर पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जितना भी सॉफ्ट पार्ट होता है ये सब खत्म हो जाता है, सिर्फ रह जाती है पीछे हड्डियां यानी बोन्स, ठीक है. तो दिस फॉसिल इज पेट्रीफाइड फॉसिल, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सबूत. यस, आर्कियोप्टेरिक्स. इसके बारे में सबको पता होगा, आर्कियोप्टेरिक्स. Yes, it is the missing link between reptiles and birds. यानी इसके पास दोनों के characters है, reptile का भी और birds का भी. मैं बहुत important चीज़ बता रही हूँ बेटा, बहुत लोगों को confusion होती है. जितने मैंने बच्चे पढ़ाए हैं उनमें अक्सर confusion मैंने देखा है between missing link and connecting link. होता है ये confusion? होता है? मैं पकड़ लेती हूँ तुम लोगों को किस चीज में कंफ्यूजन रहती है. यस, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक? मिसिंग लिंक जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये नहीं रहे, खत्म हो चुके हैं. कनेक्टिंग लिंक ये आज भी जिंदा हैं, दे आर स्टिल अलाइव, ठीक है. सो यही एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक. मिसिंग लिंक जो खत्म हो चुके हैं
और कनेक्टिंग लिंक जो आज भी जिंदा हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स इज अ मिसिंग लिंक क्योंकि अब वो नहीं रहा, अब वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स एज यू कैन सी द पिक्चर, इसके फोर विंग फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ बर्ड। ठीक है, एंड यू कैन सी यहां पे अगर होते तो यहां पे थे स्केल्स, स्केल्स आर अगेन अ कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल। So these share the characters of both birds and reptiles, hence it is called as missing link. Okay? Yes. Next, connecting link. ये पूरी एक मैंने table दी आपको connecting link की, this is very important table. मैं समझा नहीं रही क्योंकि इसे बस याद करना है और आपको क्या करना है, next class में जब मैं आऊंगी तो मैं इससे सवाल पूछूंगी, बस इसको याद करना है। ठीक है guys, जिसको screenshot लेना है वो screenshot ले सकता है, it is important, very important, take the screenshot guys. Yes, लिया सबने screenshot, right? Yes, चलो next. Now, evolution of dinosaur, बहुत छोटा सा दिया हुआ है आपके NCERT ने, बड़े प्यारे प्यारे से dinosaurs भी बनाए हुए हैं, वही चीज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। Dinosaurs appeared, तीन चीजें बता रही हूँ मैं, three things. Jurassic Park movie किस किसने देखी है लिख दो चैट बॉक्स में, किस किसने देखी है, and appeared. चीजें बता रही हूं यहां पे, कब वो आए डायनासोर्स, कब वो बहुत फैल गए पूरी धरती पे, कब वो बिल्कुल खत्म हो गए धरती से। ठीक है, ट्रिक आ रही है याद करने की, जुरासिक पार्क मूवी थी उसमें हमने क्या देखे, सिर्फ डायनासोर्स, तो फ्लरिश कौन से पीरियड में हुए, वो जुरासिक, याद हो गया, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायनासोर्स वर फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुरासिक, किससे याद करना है, जुरासिक पार्क मूवी से। ठीक है, जब वो आए तो उसका है ट्रायसिक, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज ट्रायसिक, एंड जिसमें वो बिल्कुल खत्म हो गए दैट इज कॉल्ड एज क्रिटेशियस। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस, दिस ग्राफ, ये कॉमन एंसेस्टर है जिससे आया आर्कियोप्टेरिक्स, उससे आया हुंकार था ये। मैं इसके एक छोटी सी चीज बताती हूँ, टीरेक्स को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके हाथ बहुत छोटे थे और उसके पैर बहुत बड़े थे, तो क्या करते थे, वो छोटे छोटे हाथ के साथ चलता था, उसे गिरा दो बस किसी तरीके से, वो उठ ही नहीं पाता था क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी, राइट राजू, हाँ जी। देन यू हैव ब्रैकियोसॉरस, जो जुरासिक पार्क मूवी में वो बड़े बड़े थे ना, जिन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं था, अपने बस पेड़ पत्ते खा रहे हैं, वही वाले थे ब्रैकियोसॉरस, सबसे मोटे ताजा जिन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। देन स्टेगोसॉरस, ये वो डायनासोर है जिनके ऊपर ऐसे कॉनिकल प्लेट्स बनी हुई थी, कोन छोटे छोटे। ठीक है, एंड ट्राइसेराटॉप्स कौन से थे, जिनके पास सींग था यानी हॉर्न्स थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर, राइट गाइस, समझ में आया, राइट यस इन द चैट बॉक्स, बड़ा सा यस लिख दो गाइस, लिख दो लिख दो। सबसे बड़ी ट्रिक है ये तीन पॉइंट्स, जिसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेहा, सुनील, we have Frost, so many students, Unnati, yes guys, chalo, next, moving on to the next, okay, ye pyari si aapke liye picture bhi hai, for your entertainment, choti si pyari si picture hai, theek hai, haan ji, padh lena isko, okay, now we are moving on to the next saboot. सबूत का नाम है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूं, ये आपको मक्खन क्लियर हो जाएगा। मुझे पता आप लोग को किस चीज में कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में, क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और क्या होता है अडैप्टिव रेडिएशन। यही है ना जिंदगी की मुसीबत, लिख दो यस, जिंदगी की मुसीबत यही है ना, हाँ जी यस, यही तीन शब्द है ना जो समझ नहीं आते तुम लोग को, हाँ ना, है ना। चलो अब मैं आज बताती हूँ तुम्हें क्या है इन सब का मतलब, इतना जबरदस्त ट्रिक है ना बेटा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुम लोग,
बिल्कुल मक्खन क्लियर, ठीक है। चलो देखो इधर, ये है बेटा हमारा देश भारत। मान लो ये हमारा प्यारा देश है भारत, बहुत ही प्यारा देश है हमारा। इस देश का एक छोटा सा दिल है बीचों बीच, उस दिल का नाम है एमपी। क्या नाम है? एमपी। एमपी माने मध्य प्रदेश, ठीक है। हमारे देश का दिल क्या है? एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कुछ लोग रहते हैं जो मद्रास में रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मद्रासी, ठीक है। सो दीज आर द स्टूडेंट्स और पीपल फ्रॉम मद्रास। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कुछ लोग रहते हैं जो होते हैं बंगाली, ठीक है। दीज आर बंगाली। और ऊपर वाले हमारे सबसे चिलैक्स यानी सबसे कूल पीपल, यानी जो सिर्फ सुबह सुबह उठ के पराठे खाते हैं मजे से, उनका नाम क्या है? पंजाबी। क्या नाम है उनका? पंजाबी, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा देश। बहुत सारी स्टेट्स और भी है जिनके मैंने नाम नहीं लिए, कोई नहीं, वो मेरे दिल में बसते हैं, ठीक है। तो आज इसको ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अब देखो जरा इधर, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। There is a small population living in Madhya Pradesh. When they are living in this area, guys, तो यहाँ पे क्या increase होगा? Competition. क्या increase होगा? Competition. जब competition increase होता है, तो जो लोग होते हैं, वो दूसरी जगह पे जाके रहने लगते हैं, as to avoid competition. एक मध्य प्रदेश में छोटी सी population है, उस पॉपुलेशन में जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है, उसके साथ इंक्रीज होता है कंपटीशन। जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज होता है गाइस, क्या होता है? लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूविंग ऑन टू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। Why geographical area? See, अभी MP में ही है वो सब, सेम geographical एरिया। दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। अपना हाथ देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सारे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अब जब पूरा मध्य प्रदेश ही पॉपुलेटेड हो जाएगा, तो इन बेचारों के पास क्या ऑप्शन है? कुछ चले जाएंगे बंगाल में, कुछ चले जाएंगे मद्रास में, कुछ चले जाएंगे पंजाब में। तो जब ये माइग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में, दैट इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। विद इन द सेम प्लेस इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। व्हेन दे मूव इनटू द डिफरेंट प्लेसेस इट इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अच्छा बिहार बोल दू, अजी बिहार में भी चले जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ लेट अस से इफ बंगाली वांट्स टू कम टू मद्रास, आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर, यस। इफ बंगाली वांट्स टू कम टू मद्रास, हु विल चेंज? बंगाली और मद्रासी, टेल मी इन द चैट बॉक्स, हु विल चेंज? बंगाली और मद्रासी। अगर बंगाली आना चाहता है मद्रास में रहने के लिए, तो किसको बदलने की जरूरत है? बंगाली और मद्रासी, यस बंगाली, एब्सोल्युटली गाइस, एब्सोल्युटली। तो बंगाली जब मद्रास में आके रहने लगेगा, दिस हैज टू चेंज। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो जब एक प्लेस से डिफरेंट जगह जाते हैं, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। जब डिफरेंट प्लेसेस से एक जगह पे आते हैं, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? आर्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिखो यस या नो। आज सबको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड अडैप्टिव रेडिएशन। डाइवर्जेंट वो है जो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है, अडैप्टिव वो है जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में हो रहा है। समझ आ गया आज सबको बेटा? मक्खन क्लियर, प्लैटिनम क्लियर हो गया आज? आज के बाद कोई गलत करेगा ये सवाल? बता दो जरा बेटा। एवोल्यूशन अभी काफी लेक्चर्स में चलेगा, आई टेक टू मोर लेक्चर्स ऑफ एवोल्यूशन, बट बिल्कुल जानदार तरीके से पढ़ेंगे हम ये टॉपिक। मक्खन क्लियर करके जाऊंगे एक एक चीज तुम लोग की,
राइट, चांदी क्लियर, क्या बात है, ग्रेफाइट क्लियर, ये मेरे को लग रहा है पीरियोडिक टेबल चल रही है यहाँ पे, शानदार शानदार स्टूडेंट, शानदार, बिल्कुल सही। तो अब मैं एक चीज और बता रही हूँ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एज आई सेड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोज इनटू दिस डिफरेंट डायरेक्शन, विल डाइवर्जेंट एवोल्यूशन विल हैव कॉमन एंसेस्टर, यस और नो? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के पास कॉमन एंसेस्टर होगा या नहीं होगा, यस और नो लिख दो चैट बॉक्स में फटाफट गाइस, चेष्टा राइट, यस अनुराज, नाइस नेम बेटा अनुराज, आई लाइक द नेम अनुराज, यस यस गाइस, यस बिल्कुल होगा कॉमन एंसेस्टर, बिल्कुल सही जवाब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के पास कॉमन एंसेस्टर होगा या नहीं होगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के पास कॉमन एंसेस्टर होगा या नहीं होगा, सोचो और आंसर दो, सोचना पड़ेगा क्लास में, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सब तो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, राइट? यस गाइस, यानी अब कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब चलते अपनी प्रीवियस वाली स्लाइड पे। यस, यही था। सो होमोलोगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट्स ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जबकि एनालोगस आर रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पता है मुझे एक ट्रिक और मैं बताती हूँ कि कई बार ना स्टूडेंट भूल जाते हैं कि एनालोगस किस से बना है। एसी याद है आपको? एब्सोल्युटली रोहन, एयर कंडीशन, सुपर राम, एयर कंडीशन, यस। ए रेफर्स टू एनालोगस, सी रेफर्स टू कन्वर्जेंट, यानी एयर कंडीशन याद रखना है टू गेट द ट्रिक ऑफ एनालोगस एंड होमोलोगस, राइट गाइस? सबको समझ में आया है ट्रिक? यस, बिल्कुल सही ट्रिक है, एसी, बिल्कुल एचडीएसी, करेक्ट। तो होमोलोगस के पास होंगे हमेशा कॉमन एंसेस्टर्स, दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल भी लिखे हैं फोल्ड में, वेल, बैट, ह्यूमन, चीता। अब इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये भी मैमल, ये भी मैमल, ये भी मैमल, ये भी मैमल, सेम ओरिजिन है, ठीक है? यस, ओके, हाँ जी। बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर होमोलोगी, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूबिटा, ये सब आपको याद करना है, व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है? तो आई एम हियर टू मेक योर कॉन्सेप्ट, राइट गाइज? समझ में आया सबको? बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जो लेट आ रहे हैं, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, नॉट लाइकिंग दिस, जो लेट है, नॉट लाइकिंग दिस। ओके, this is a table that you can see in NCERT, this is an example of convergent evolution which is happening in the Australia island, okay? Australia mein ho raha hai, continent hai hamara Australia, isme ho kya raha hai, convergent means analogous ki baat kar rahe hum yahan pe, ek hai placental mammals, dusre hai marsupials, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एनालॉगी देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर्स के बीच में, राइट गाइस? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ट्राई टू लर्न इट, ओके, राइट गाइस? अच्छा, मैं मास्टर क्लास कब लेती हूँ? ऐसे ऐसे सवाल पूछा करो तुम लोग, क्लास में दिमाग नहीं लगाते हो बिल्कुल भी, इतनी मेहनत कर रही हूं मैं तुम्हारे पीछे, हाँ जी, ओके, नेक्स्ट। अगेन यू कैन सी दिस, दिस इज इन डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस से एक ही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट ओरिजिनली दे वर सीड ईटिंग। एक गैलापागोस आइलैंड है, 22 आइलैंड से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है? एंड व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे वो दूसरे आइलैंड्स में मूव करने लगे, देयर वर अडैप्टेशन इन देयर बीक्स, उनके बीक पैटर्न चेंज हुए। बीक पैटर्न क्यों चेंज हुए? क्योंकि खाना बदल गया, कोई इंसेक्ट खा रही थी, कोई सीड खा रही थी, कोई कैक्टस खा रही थी, कोई छेद कर रही थी वुड के अंदर, ठीक है? तो ये सब चीजें हो रही थी। तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, व्हाई? बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन आइलैंड टू डिफरेंट आइलैंड्स, ठीक है गाइस? आई होप इतना क्लियर है आज की क्लास का सबको, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, दिस इज अ सेकेंड एग्जाम्पल अबाउट मार्सुपियल्स।
starting from the same common ancestor and moving on to the different type of marsupials. This is happening in the case of Australia. So marsupials are the only mammals which you find in Australia. Kangaroo aapko kahin aur nahi milega, sirf aur sirf kahan milega? Australia mein. Yes, kuch log HMS Beagle bhi likh rahe hain. Her Majesty Ship House ka full form. Now, this topic I'll take up in the next class, okay? हाँ जी, ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी. नाउ इट्स अ टाइम आई शुड गो, और तुम्हें रिलैक्स देती हूँ थोड़ा सा. ओके, फॉर द गाइज हु आर लेट, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस अमेजिंग ग्रुप. इफ यू हैव डाउट्स फ्रॉम एनी डाउट्स फ्रॉम टुडेज क्लास, आस्क मी गाइज थ्रू दिस ग्रुप. आई एम अवेलेबल ऑन दिस ग्रुप. ठीक है गाइज? हाँ जी, बस शादी पूछते रहना मेरी हुई है या नहीं हुई है. And do not forget to like my video, share my video and our videos, and do not forget to subscribe the most amazing channel Vedantu NEET Made Easy. बहुत मेहनत करते हैं बेटा हम, प्यारी प्यारी ट्रिक्स लेकर आते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें बहुत आसानी से सब कुछ समझ आ सके. So अभी की अभी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बहुत अमेजिंग चैनल है हमारा. ठीक है, बाय गाइस, शब्बा खैर, टेक केयर, और पढ़ाई में दिमाग लगाओ, पानी पीते रहो, अपने आप को हाइड्रेट करते रहो. ठीक है, बाय, टेक केयर गाइस, सी यू ऑन फ्राइडे 4 PM. ठीक है, कोई लेट नहीं आएगा क्लास में, मैं पहले ही बोल रही हूं. बहुत अमेजिंग नेक्स्ट क्लास होने वाली है, लॉट ऑफ ट्रिक्स. बाय गाइस, बाय.